सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। सो हाँ यार, आप लोग ये जरूर सोच रहे हो कि इतने दिन से फिर से तो कहाँ गायब था। सर मैं क्या बताऊँ यार, कंटेंट ही नहीं मिल रहा यार यूट्यूब पे डालने के लिए। मैं इतने दिनों से मतलब यार SMP वगैरह की बातचीत में सोच रहा हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बट बाय द वे, आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो अपना खुद का SMP, मतलब खुद का माइनक्राफ्ट का प्राइवेट सर्वर, वो ही बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स के अंदर अंदर में, और वो भी एकदम फ्री में। आप लोग कोई पैसे वैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस एक चीज़ होगी कि आप लोगों को उसको बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉयलर नहीं देते हुए मैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो अपना फ्री माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का एंड जावा एडिशन का सर्वर, जिसके अंदर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता हो कि माइनक्राफ्ट में जो मल्टीप्लेयर का ऑप्शन है ना, वो बड़ा ज़्यादा झंझट वाला है। उसके अंदर यार आप लोग जब खेलने जाते हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लैन वगैरह जावा एडिशन में तो लैन वगैरह का सीन हो जाता है, एंड पॉकेट एडिशन के अंदर तो वहाँ पर ID वगैरह का सीन हो जाता है। उसमें मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। सो सर्वर में जो ऐसा होता है ना कि सर्वर में अगर आप लोग प्ले करते हो तो आप लोग इजीली, बस आप लोग एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, एंड आप लोग इजीली लॉगिन हो जाओगे और गेम के अंदर भी इजीली चले जाओगे सर्वर के अंदर भी। और माइनक्राफ्ट का क्रैक्ड सर्वर आप लोग को आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके लिए आप लोग को माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का प्रीमियम अकाउंट भी नहीं लगने वाला। सो या गाइस, वीडियो को जल्दी शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है गूगल क्रोम पे, एंड यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है एटरनॉस। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ एटरनॉस। आप लोग जैसे सर्च कर लोगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी सबसे टॉप पे। तो इस वाली वेबसाइट पे आप लोगों को चले जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को सिंपली से क्लिक करना है नीचे, यहाँ पे जो प्ले का ऑप्शन दिख रहा है ना, प्ले का, इस पर आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को इजीली नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है साइन इन विद गूगल, तो यहाँ पर से आप लोगों को अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अपना गूगल अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो गूगल अकाउंट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा ऑलरेडी एक सर्वर बना पड़ा है, तो इस सर्वर को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से यस कर देते हैं, एंड ये वाला सर्वर मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों के सामने फिर ऐसा ऑप्शन आएगा, आप लोगों को मतलब स्टार्टिंग में ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप लोग सिंपली क्लिक करना है क्रिएट ए सर्वर पे, एंड यहाँ पर जावा एंड पॉकेट का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बेडरॉक का एक सर्वर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पर माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन ही है। एंड यहाँ से आप लोग अपना सर्वर का जो IP एड्रेस है ना, वो भी चेंज कर सकते हैं, एंड नीचे जो वेलकम मैसेज होता है ना, वो भी चेंज कर सकते हो। अपने हिसाब से हर एक चीज़ में आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सिंपली से यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट पर। क्रिएट पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, आप लोगों का सर्वर बनकर रेडी हो जाएगा 100%। सो आप लोगों को यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। बट यार, आप में से काफ़ी सारे बंदों का ना लेटेस्ट वर्जन नहीं होता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक वर्जन का ऑप्शन है, जिसमें 1.19.73 का वर्जन लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग सिंपली से ना अपने सर्वर को सेट कर सकते हो कि कौन से वर्जन में आप लोग स्पेसिफिक कौन सा वर्जन आप सभी लोगों को चाहिए होगा इस वाले वर्जन को खेलने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास माइनक्राफ्ट का 1.19.70.02 वाला वर्जन अवेलेबल है मेरे फ़ोन के अंदर। तो ये वाला वर्जन मैं डाउनलोड करता हूँ, एंड इसको ईजिली अप्लाई कर देता हूँ। एंड इस वाले सर्वर के अंदर आप लोग प्लगइन्स वगैरह भी डाल सकते हो, जिसकी मदद से आप लोग ना किसी भी वर्जन में माइनक्राफ्ट का जो क्रॉस प्ले होता है वो सब भी खेल सकते हो आप लोग इजीली। यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फ़िगर योर सर्वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ से आप लोग अपने सर्वर को ना पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो स्लॉट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर स्लॉट्स आप लोग जितने मर्जी उतने खाली रख सकते हो। मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो 1000 की है, तो 1000 से ज़्यादा आप लोग बंदे ऐड नहीं कर सकते सर्वर के अंदर। क्योंकि वैसे ही अगर यार 1000 तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। और यहाँ से आप लोग अपना गेम मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, सर्वाइवल एकदम सही है। एंड यहाँ से मैं गेम मोड का जो डिफ़िकल्टी है वो तो नॉर्मल। यहाँ से आप लोग क्रैक्ड जरूर इनेबल कर देना, क्रैक्ड आप लोग इनेबल नहीं करोगे तो आप लोग को चलेगा नहीं अच्छे से सर्वर जो है ना माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर, अच्छे से नहीं चल वर्क करने वाला आप लोग क्रैक्ड चालू नहीं करोगे तो। एंड यहाँ से जो स्लॉट्स वगैरह ना, स्लॉट का ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ से आप लोग को ऑप्शंस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर से आप लोग को सेम यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो स्लॉट्स है ना, स्लॉट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1000, क्योंकि 1000 से ज़्यादा बंदे क्या ही करूँगा मैं ऐड करके, तो सेव हो गया। मैक्स प्लेट्स की लिमिट है 1000 की, तो यहाँ पर 1000 कर सकते हो आप लोग देख सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे तो आप लोग को सेव ही नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने 1000 का जल्दी सेव कर दिया। जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर 10,000 1,00,000 का अगर करूँगा ना, 1,00,000 बंदे कहाँ से आप लोग डाल लोगे इस वाले सर्वर के अंदर। आप लोगों को 2 GB की तो इस सर्वर के अंदर रैम मिलती है, एंड उसमें आप लोग हर चीज़ कर लोगे। तो यहाँ पर 1000 की लिमिट है, सो ये कर सकते हो, बस 1000 तक बंदे आप लोग ऐड कर सकते हो। चीट वगैरह यहाँ चालू कर सकते हो, एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आप लोग YouTube पे और भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में। एंड सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर आप लोग अपना आपको ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर प्लेयर्स का जो ऑप्शन है यहाँ से। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी ऑपरेटर तब तक सेलेक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारा सर्वर चालू नहीं होगा। सो सर्वर को चालू करने के लिए आप लोगों को जाना है सर्वर पे, यहाँ 3 डॉट की
तरफ जाके एंड यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का। स्टार्ट पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोगों का जो सर्वर है ना वो स्टार्ट होने लग गया। आप लोग येस आई एक्सेप्ट यूला पे क्लिक करोगे सो आप लोगों का जो सर्वर है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। एंड जैसे आप लोग का यहाँ पर लोडिंग होगा थोड़ी देर एंड यहाँ पर सर्वर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा सर्वर भी फाइनल से स्टार्ट हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा स्टार्टिंग में, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिंपली से बस एक वर्ल्ड ही तो जनरेट करना है। तो स्टार्टिंग ऑप्शन आ रहा है, अभी स्टार्ट हो ही रहा है यार, होने दो। सो फाइनल से मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया एंड इसमें मेरे को रैम मिली है 2.1 GB की, मतलब 2100 MB की मेरे को रैम मिली है इस वाले मतलब इस सर्वर के अंदर। तो यहाँ पर इतनी रैम में लैग नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लैग फ्री गेम चलने वाला है। यहाँ से आप लोग अपने आप को ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं अपने यूज़र नेम यहाँ पर डालता हूँ। इस यूज़र नेम से जैसे मैं इस सर्वर के अंदर जाऊँगा ना तो मैं एक ऑलरेडी ना वो बन जाऊँगा ऑपरेटर एंड यहाँ से मैं अपने पूरे के पूरे सर्वर को ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ से ऐड टू माई सर्वर पर आप लोग क्लिक करके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर अपना सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पर आप लोग जैसे ही देख सकते हो फाइनल से मेरा जो सर्वर है यहाँ पर ऐड हो चुका होगा ऑलरेडी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ऐड टू माय सर्वर करा, यहाँ पर मेरा सर्वर फाइनल से ऐड हो गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आईपी एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। एंड इसको मैं जैसे ही मतलब यहाँ से थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। पोर्ट वगैरह ऑलरेडी आप लोग का ऐड हो जाएगा जैसे आप लोग क्लिक करोगे। पिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ऑनलाइन 0/1000 लिखा हुआ है। यहाँ से मैं जैसे ज्वाइन सर्वर पर क्लिक करूँगा मेरा जो सर्वर है वहाँ पर ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो सर्वर है ना ज्वाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा कंडक्टिंग टू एक्सटर्नल सर्वर। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लोकेटिंग सर्वर देखने को मिलेगा एंड फाइनल से हम लोगों का जो सर्वर होगा वो यहाँ पर मतलब इंस्टॉल हो जाएगा एंड प्ले हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग में ही मैं मर गया हूँ, पता नहीं कैसे यहाँ पर देख सकते हो मर गया बेमतलब में। फेल फ्रॉम हाई लोकेशन मतलब मेरे को बैम्बू पे स्पॉन करवाया था इस बारी। और देख सकते हो बिल्कुल लैग फ्री सर्वर है, बिल्कुल आप लोगों का गेम लैग नहीं मानने वाला 1% भी। एंड हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत ग्लिच वगैरह हो जाए सर्वर के अंदर तो आप लोग सर्वर को मतलब बंद करके रिस्टार्ट करना। यहाँ पर जो ऑपरेटर का ग्लिच था ना ऑपरेटर वाला ग्लिच हो गया तो यहाँ पर मेरे को सिंपली सर्वर को बंद करके रिस्टार्ट करना होगा तो वो वाला जो ग्लिच है ना फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे प्लगइन वगैरह ऐड करके जावा और पॉकेट में भी क्रॉस प्ले कर सकते हो और साथ ही साथ में आप लोग ना अचीवमेंट वगैरह भी अनलॉक कर सकते हो इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें इस मतलब एटर्नस वेबसाइट के ऊपर करने के लिए सो आप लोग इजीली कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, बट मैंने आप लोगों को बेसिक सर्वर बनाना सिखा दिया आज की इस वाली वीडियो में। सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की वाली वीडियो कैसे लगी और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2.5 के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा क्लोज है सो जल्दी से करवा दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।